हेलो गाइज एंड वेलकम टू अफिशनाडोज डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइज आज जो रम मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है चाली गोल्ड ट्रिपल एक्स रम। तो गाइज सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, इट इज़ एट इट्स पीक एंड व्हाट बेस्ट टाइम टू रिव्यू अ रम देन दिस। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, कुछ रम्स का रिव्यू मैंने पिछले साल किया था, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, गो हैड वॉच द रिव्यूज ऑफ द रम्स। 3 रिव्यूज हैं उसमें, मैं आपको आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, गो हैड वॉच इट एंड लेट्स गेट ऑन टू द रिव्यू ऑफ चाली गोल्ड ट्रिपल एक्स रम। सो गाइस दिस रम इज अवेलेबल फॉर 430 rupees इन दिल्ली। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हाईफील्ड डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ एन इंडियन बेस्ड कंपनी, सो डेफिनेटली ये भी इंडियन ही है। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इसके इन्ग्रीडियंट्स जो हैं दोज कंप्राइज ऑफ न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट्स, मॉल्ट्स, एडेड फ्लेवर्स एंड कलर्स एंड डीमिनरलाइज्ड वाटर। सो गाइज इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट अ रम। यस इट इज़ नॉट अ रम। As per the definition of a rum is a distilled spirit made up of sugarcane juice or sugarcane molasses. इसमें वो है ही नहीं। तो in my opinion, this is an Indian whiskey, जिसको थोड़ा dark coloration कर दिया गया है, for sure, we can see the color, but it is not a rum. Still, I would not go ahead and say much about it till the time we pour it and taste it and let's see what this has to offer. So that's Charlie Gold Triple X Rum for you guys. Chaliye, let's open it. Ek lever type seal hai, bahut hi achhi seal hai, tamper proof seal it seems. Chaliye, let's open it. Let's pour it. सो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास आज स्निफ्टर्स हैं, आई एम नॉट गोना नोज इट एंड टेस्ट इट इन माई विस्की ग्लेनकेरन ग्लासेस बिकॉज ब्रांडी एंड रम आर ऑलवेज एंड ऑलवेज नोज्ड एंड टेस्टेड इन स्निफ्टर्स। तो चलिए लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी व्हाट दिस रम हैज टू ऑफर। तो गाइज बात करते हैं हम कलर की। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर, ऑलमोस्ट टॉनी इन कलर। लेट्स गो अहेड एंड नोज इट। गाइस मुझे एक बहुत ही ज्यादा अल्कोहल का नोज आ रहा है इसमें। I would not say anything much about the nose. I can see there are earthy notes, there are woody notes in it. Bit of spices, warm spices, cinnamon, a bit of cloves, vanilla, jo normal rum ke notes hote hain. Nothing fancy about it. Chaliye, let's get on to the taste. Let's see what this rum has to offer. कुछ ज़्यादा ही इसमें अल्कोहल का टेस्ट है। आई कैन गेट दी नोट्स ऑफ ओक इन इट, आई कैन गेट दी वुडिनेस इन इट अ बिट, आई कैन गेट दी टेस्ट ऑफ स्वीट स्पाइसेस इन इट, क्लोव्स एंड सिनेमन, अ बिट ऑफ वनिलिन इन इट। लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट इट अगेन, लेट्स सी व्हाट इट हैज टू ऑफर ऑन द सेकेंड टेस्ट।
an average drink, I would say. Same notes, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है. चलिए let's get on to the comparative tasting and let's see कि कुछ अलग होता है क्या after adding a dash of water to it. चलिए let's go ahead and nose it. There's nothing fancy about it. It's just the same thing that I got in the rum as it is. Let's go ahead and taste it. Guys, सारे के सारे flavors subdued हो गए हैं. Alcohol का flavor आ रहा है सिर्फ. चलिए let's get on to the second taste and let's see what this has to offer in the second taste on the palate. Almost the same taste. I don't know what exactly I have to say about this rum, but let's talk about Aficionado's report card. On the price point, I would give it a 6.5, and on the taste, I would give it a 4.5. तो इस रम का एफिशिएंटोस नंबर होता है 5.5. गाइस दे मेंशन इट ऑन द वेबसाइट दैट यू वुड स्टॉप एंड थिंक एंड आई ऑनेस्टली एम स्टॉपिंग हियर एंड थिंकिंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बिकॉज आई कैन नॉट रेट इट एज अ रम एंड बिकॉज इट इज नॉट अ रम एज पर द डेफिनेशन. इट इज नॉट अ विस्की ईदर. स्टिल इन माई ओपिनियन गो हैड एंजॉय इट इन मिक्स ड्रिंक्स. अब देखता हूँ मैं भी कैसे इसको ख़त्म करूँगा. बट येस दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू ऑफ दिस रम टुडे. दिस वॉज एन ऑनेस्ट रिव्यू. इट वॉज इन माई ओपिनियन वॉट आई थिंक अबाउट दिस रम. आई एम नॉट सेइंग दैट समवन कैनॉट लाइक इट. लाइकिंग अ ड्रिंक इज डेफिनेटली बेस्ड ऑन समवनस पर्सनल ओपिनियन. आई वुड नॉट डिनाई इट. इफ समवन लाइक्स इट दे लाइक इट. दैट्स इट. But I did not like it at all. So that's all from my side today. That's all about the review for today. And drink responsibly. Do not drink and drive. And as we say in Aficionado's Den, stay classy. And cheers.